रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद वहीद अहमद एडवोकेट ने ओहावी जायदादों के तहफ्फुज के मुतालिक ऐवान असेंबली में चीफ मिनिस्टर केसीआर के तयक्कुन पर इजहार मसरत करते हुए वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस चीफ मिनिस्टर केसीआर के इस इकदाम के जरिए औकाफी जायदादों का मौसर अंदाज से तहफ्फुज मुमकिन हो गया है। इन्होंने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। दीगर तफसीलात से भी इन्होंने वाकिफ करवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना रियासत के वजीर आला, मेरे और आपके इस रियासत के वजीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने एक बहुत ही काबिले सताइश इकदाम किया जिसका हम खैर मकदम करते हैं। और मिन जानिब वक्फ बोर्ड के, क्योंकि मैं एक वक्फ बोर्ड का रुकन होने के नाते मैं बेहद आपका शुक्रगुजार हूं। और आपके इस इकदाम पर तेलंगाना की 4 करोड़ आवाम खुसूसन अकलियतों बहुत ज्यादा आपसे खुश है। न सिर्फ आपने वक्फ बोर्ड बल्कि हिंदू एंडोमेंट के लिए भी आपने जो इकदाम उठाया वो बहुत ही काबिल सताइश इकदाम है। हम इसका खैर मकदम करते हैं और आपको तहदिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपको सलाम करता हूं और आपके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा तरक्की के साथ इस रियासत की खिदमत करने का हमेशा मौका फराहम करे। और आपके जो इकदाम है वो बहुत ज्यादा काबिल सताइश है। आपने जहां तक रियासत तेलंगाना के औकाफी जायदादों के मसाइल से आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो जस्तजू है, आपके जो ख्यालात है, इसका हम खैर मकदम करते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में ये एक वाहिद सेकुलर रियासत है जहां पर वक्फ जायदादों की हिफाजत हो रही है और वक्फ जायदादों को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो कानून लगाया गया है वो बहुत ही काबिल सताइश है। और जो केसीआर साहब ने कहा कि आज से जितने भी रजिस्ट्रेशन या पट्टे जो भी इश्यू वक्फ जायदादों पर नहीं होंगे उसको बंद किया जाएगा, इससे बहुत ज्यादा यानी लैंड माफिया, वक्फ माफिया को बहुत ज्यादा इससे परेशानी होगी। और ये एक बहुत ही अच्छा इकदाम है। और जहां तक मैं केसीआर साहब ने जो सेक्रेटरीट की मसाजिद पर भी जो बयान दिया है उसका भी मैं खैर मकदम कर रहा हूं, क्योंकि मेरी रियासत के वजीर आला एक सेकुलर वजीर आला है जिन्होंने न सिर्फ अकलियतों बल्कि दूसरे अकौम की भी बहुत ज्यादा स्कीम के जरिए मदद की है। जहां तक तेलंगाना रियासत नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईएनए दक्कन की अहम खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक की आवाज। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज़।